मायावती ने सीएम योगी को दिया करारा जवाब। बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने फिर से बीजेपी को निशाने पर लिया और उन्हें ट्वीट कर मेनका और सीएम योगी पर हमला किया। मायावती ने ट्वीट कर लिखा कि केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी द्वारा वोटरों को धमकाने के बाद अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सभा के दौरान काले झंडे बैनर दिखाए जाने पर जिंदगी भर बेरोजगार रह जाने की खुली धमकी दी है। आखिरकार मेनका गांधी का क्या बयान था वो हम आपको बताते हैं। मेनका गांधी ने अपनी सभा में कहा था कि जिसका जितना वोट उसका उतना विकास। सुल्तानपुर में केंद्रीय मंत्री भाजपा प्रत्याशी मेनका गांधी ने रविवार को फिर मतदाताओं को चेताया कि इसौली विधानसभा क्षेत्र में रसूलपुर में कार्यकर्ताओं सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जिसका जितना विकास वोट उसका उतना विकास हुआ है। कहा कि कार्य कराने के लिए मैंने एक मापदंड बनाया है, इसमें चार श्रेणी हैं, ए बी सी और डी। उन्होंने कहा कि 80% से ज्यादा जहां वोट मिलेंगे वो ए श्रेणी में आएगा, 60% वाले बी श्रेणी में आएंगे और 50% वाले सी श्रेणी में आएंगे, 50 से कम वाले डी श्रेणी में आएंगे। ऐसी श्रेणी वालों को पहले कार्य होगा, इसके बाद बी व डी श्रेणी के कार्य कराए जाएंगे, चुनाव बाद इसी आधार पर विकास कार्य कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं को पूरी मेहनत करने को, इससे मुस्लिम वोटर ही नहीं पूरा समाज ही मेनका गांधी के विपक्ष में होता नजर आ रहा है और गठबंधन को मजबूत करने लगा हुआ है उत्तर प्रदेश, क्योंकि ये स्टेटमेंट बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है मेनका गांधी का। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।